जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो गई, मैंने जो अभी आरफा से सवाल पूछा था वही सवाल मैं आपसे भी दोहरा रहा हूं। जो सरकार कहती है कि तो कपोल कल्पना है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, और वायर के बारे में उन्होंने कहा तो एक फर्जी वेबसाइट है, उन्होंने ये सब किया है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये गंभीर मसला है और अगर ये जानकारियां जो हैं और जो प्राइम एफएसआई सही लगती हैं, तो वैसे में क्या सरकार के लिए अब ये दिक्कत वाली बात पैदा हो गई है? अशोक अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपके प्रोग्राम में, 2014 से जब भी सरकार ने मुंह खोला है झूठ बोलने के लिए खोला है। सरकार ने कौन सी बात पे कब किस बात पे सच्चाई उगली होगी ये बताइए मुझे आप। सवाल ये है कि अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि ये क्रोनोलॉजी है कि बराबर अपने यहाँ अधिवेशन चल रहा था, ये 1600 से 1800 नंबर्स, 40 देशों के लोग, 40 देशों के नंबर से इसमें, तो 40 देशों में अधिवेशन थोड़ी चल रहे हैं लोकसभा के, सिर्फ भारत में चल रहा है ना। उसके बाद जैसा कि अभी मैडम बता रही थी कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, उन्होंने सिर्फ लिस्ट आने पे लिस्ट रिलीज नहीं की, वो इंडिया का कोई न्यूज चैनल नहीं है, ब्रेकिंग फास्ट करके कुछ भी जो आए सामने परोस दो झूठ या सही। उन्होंने एक एक नंबर को टैली किया, एक एक नंबर के पीछे गए। हमारे यहाँ जो प्रहलाद पटेल है उनको भी फोन गया था, उनको भी मैसेज गया था कि क्या आप अपना फोन और आपके कुक और आपका जो ड्राइवर है उसका फोन क्या आप हमारे को चेक करने के लिए दे सकते हैं क्या? उन्होंने मना किया। जो रेलवे मंत्री अश्विनी जी, उनके पास भी मैसेज गया था कि आप दे सकते क्या? नहीं, जिन लोगों ने दिया उनमें पैगेसिस पाया गया, इसका मतलब वो लिस्ट फर्जी नहीं थी। और ये इंडिया की नहीं है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनके भी उसमें पैगेसिस पाया गया, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, वहां इंक्वायरी चल रही है। यूनाइटेड नेशंस ने ऑलरेडी इस पर चिंता जाहिर की है कि पत्रकारों के नंबर कैसे एक्सपायर हो रहे। उसके बाद अमेरिका ने भी आंखें को बड़ी करके बता दिया इसराइल को, इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की जो कमेटी है उन्होंने फिर ये पैगेसिस के ऊपर एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया और देख लिया कि एक गड़बड़ कैसी हो रही है, ये पत्रकारों और जजेस को और सिविल सोसाइटी के लोगों का कैसा स्पाइंग हो रहा है, इसके लिए तो नहीं दिया था ये तो जो ड्रग्स है, आतंकवाद है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, नकली नोट है, इसके लिए दिया गया था। तो सरकार को दो एक सिंपल सा जवाब 2019 से लेके 21 तक बार बार मीडिया, सिविल सोसाइटी के लोग, सारी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, आपका पैगेसिस का किसी लेवल पे कहीं कुछ संबंध है क्या? सरकार को जब ये सवाल पूछा जाता है तो सरकार बोलती है हमने जासूसी नहीं करवाई। आपने जासूसी नहीं करवाई लेकिन पैगेसिस किसी और के लिए तो खरीदा होगा, ये तो बता सकते हो? पैगेसिस के खरीदी पे सरकार 2019 से लेके 21 तक मौन है, क्यों मौन है? दूसरी बात, हमारी एक बहुत इंटेलिजेंट वकील भी है महिला और अब मंत्री बनी है, नई दिल्ली से, न्यू दिल्ली से है सांसद, उन्होंने जवाब दिया कि नक्सलियों के लिए और आतंकवादियों के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते वो बता के देश को खतरा हो जाएगा। तो क्या हमने जब राफेल प्लेन खरीदा तो उसके ऊपर कपड़ा ढक के खरीदा था क्या? नहीं, फ्रांस से कुछ तो भी आया, बताएंगे नहीं हम। राफेल खरीदा, राफेल के लोगों ने यूरोप में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि हमने ये प्लेन भारत को दिया है, प्लेन के डिटेल्स दिए। तो आपको उससे कोई दुश्मन ज्यादा सतर्क तो नहीं होगा कि इनके पास राफेल है, सारी दुनिया को मालूम है। पैगेसिस की सर्विसेज ली, आप बोल दीजिए खत्म करो, उसमें आतंकवादी क्या करेंगे? पैकेजेस नहीं आने देगा कि कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, यदि वो घुसना चाहता है तो घुसेगा जरूर आपके फोन में। तो सवाल ये उठता है कि सरकार के साथ क्यों? और एक बार बार मैंने भी आपको एक बात कही थी एक एक इशू पे, मुझे सुप्रीम कोर्ट का तो ये पैरेलल चल रहा है, कोर्ट ने आज बोल दिया कि आपने एफआईआर क्यों नहीं करी, प्रिलिमिनरी सवाल, आपने एफआईआर करनी चाहिए थी, आपके अधिकारों का हनन हुआ है, राइट टू प्राइवेसी का हनन हुआ है, आप एफआईआर करिए। लेकिन सरकार, कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि हम रिजेक्ट करते, कई हमने ऐसे भी पिटीशन देखे, सरकार ने कहा नहीं आपने तो पहले कुछ किया ही नहीं, डायरेक्ट हमारे पास आई है, पहले जाइए उत्तर करिए। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सवाल पूछे लेकिन कहा इसमें मेरिट है, इसमें कुछ तो है, हम अगली हियरिंग के लिए देंगे। लेकिन मैं एक बात और पूछ रहा हूं, मैं बार बार पिछली बार भी मैंने कहा था, बंगाल की सरकार ने जो कमीशन घोषित किया है जस्टिस लोकुर के अध्यक्षता में जी। उस कमीशन के दायरे में तो सारी दुनिया आती है, भारत का हर नागरिक आता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एनएसए सब आते हैं, उसके बाद करिए।
सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि भैया 30 करोड़ का बजट एकदम सिक्योरिटी वाला 333 10 गुना कैसे बढ़ा आपका, 330 कैसा हो गया? ठीक है, ये ऐसे कई सवाल है जो बार बार सरकार को घेरते हैं और तो सरकार इस पे क्लियरिटी के साथ नहीं आ रही है। यही इंडिकेशन देता है कि सरकार इसमें जरूर दोषी है। सरकार ने पेगासस खरीदा, हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि यदि पेगासस आता है और पेगासस वाले कहते हैं हम सरकार को सरकार डील करते हैं, तो फिर भारत के मंत्रियों को, जजेस को, पत्रकारों को, सिविल सोसाइटी के लोगों का चाइना, पाकिस्तान या किसी हमारे दुश्मन देश ने स्पाइंग किया है, उसके लिए सरकार क्या उनकी रक्षा करेगा? और करेगा तो इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, क्या उस कंपनी को बुलाएगा या कोर्ट में या घसीटेगा? इसराइल के साथ अपने संबंध ठीक है तो उसको प्रेशराइज करेगा कि लिस्ट निकाले? ये तमाम सरकार कर सकती है, ये कुछ नहीं कर रही है। इसका मतलब सरकार ने ये खरीदा है और सरकार ने ये जासूसी की है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।